जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग मैनुअली देखेंगे हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में, उसमें चेंबर कितने होते हैं, अलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है। और दोस्तों, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है रक्त का होता है, मतलब जल का बना होता है, और रक्त जो होता है उसका एक पार्ट है। तो रक्त का हमारे शरीर में देखेंगे फ्लो कैसे होता है, रक्त पूरे बॉडी में जो हमारा हार्ट होता है पम्प करता है और पूरे बॉडी में जाता है, फिर वापस भी आता है हमारे हार्ट में, इस रास्ते को देखेंगे। और आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाने पर पेस्ट मेकर लगाया जाता है, वह हम देखेंगे कहाँ लगाया जाता है। कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे, किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और जो है हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र। इस संचरण मतलब जैसे रक्त जो है उसके बहाव, मतलब हमारे शरीर में फ्लो होता है, तो कहाँ कहाँ से फ्लो होता है उसके रास्ते को हम लोग इसमें देखेंगे। तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है दो प्रकार के होता है, एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर में ब्लड बहेगा, फ्लो होगा, वो किसी नस के द्वारा नहीं बहेगा, ऐसे ही बह जाएगा। जैसे छोटे जीव में क्या होता है, आप तिलचट्टा वगैरह कोई और जीव ऐसे केचुआ वगैरह उठा के देखेंगे, उसमें जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको ऐसे उठाएंगे तो उसका जो ब्लड होता है अधिकांश भाग नीचे आ जाता है उसका बह के, क्योंकि उसमें नस वगैरह नहीं होती। अच्छा, नस नहीं होने के कारण क्या होगा, इसमें प्रेशर भी नहीं होगा। और देखते हैं हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक चीज़ और, यह पाया कैसे जीव में जाएगा, तो यह जो है बाह कंकाल, बाह कंकाल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे जीव में पाया जाएगा जो बाह कंकाल वाले होते हैं। बाह कंकाल मतलब यह होता है जिनकी हड्डियां जो होती हैं शरीर के बाहर होती हैं, जैसे बिच्छू जो होता है उसको हम लोग छुएंगे, या छोटे मोटे जो जीव होते हैं उनकी हड्डियां शरीर के बाहर होती हैं, लेकिन हम लोग क्या है आंतरिक कंकाल वाले हैं, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं हमारे शरीर के अंदर हैं, ऊपर तो मांसपेशियां हैं हमारी। हाथी जानवर ये सब आंतरिक कंकाल वाले हैं, जो बाह कंकाल वाले होते हैं अधिकतर उनमें क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यह आंतरिक वाले में होगा। आंतरिक कंकाल वाले में, कंकाल का मतलब होता है बोन यानी हड्डी। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें जो हमारा क्लोज्ड मतलब बंद, जैसे इसमें क्या होगा नसों के द्वारा हमारे, जैसे हम लोग क्लोज्ड में हैं क्योंकि हम लोग आंतरिक कंकाल पाया जाता है, तो हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं, तो हमारे अंदर नसें पाई जाएंगी जिसके कारण प्रेशर भी जनरेट हो जाएगा, प्रेशर भी क्या होगा जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। एक होता है मिक्स्ड, तीसरा होता है मिक्स्ड, ये कुछ कुछ जानवरों में पाया जाता है लेकिन लगभग इसे ना के बराबर समझते हैं। तो हम लोग दो ही चीज़ देखें, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे शरीर में जो होता है, जैसे हमको ये पढ़ना है, तो हमारे शरीर में रक्त को बहने के लिए नसें होती हैं, वो नसें देखो ऐसे कई नसें होती हैं जो पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाती हैं, और ऐसे कई नसें होती हैं शरीर से हमारे हार्ट तक ले आती हैं। तो इन दो मतलब विभिन्नताओं के आधार पर हम नसों को देखेंगे। आइए देखते हैं हम नसों की। अब देखिए, एक होती है धमनी और एक होती है सीरा, ये नसों का नाम है। हम इसमें क्या अंतर होता है इसको स्पष्ट कर रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, ये जो धमनी होती है, धमनी
बेसिकली जो है ये रक्त को ले जाने का काम करती है, मतलब ये हमारे हार्ट से निकलती है और शरीर तक जाती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, HARTी, हार्ट से बॉडी, बॉडी हमारे दिल से, यह दिल से निकलती है और यह जाती हैं शरीर तक, मतलब ये रक्त को ले जाती हैं, रक्त को ले जाने का काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, बस इसका उल्टा कर देते हैं, ये क्या करेंगी, बॉडी से हार्ट की ओर, बॉडी से हार्ट की ओर ये ले आती हैं। और क्या होता है, ये जब हमारे हार्ट से जाती हैं तो हार्ट हमारा पंप करता है, बहुत अधिक प्रेशर से पंप करता है, जिस कारण इनका वेग जो होता है 120 हो जाता है, 120 की रफ्तार में जाती हैं, और ये जब लौटती हैं तो 80 की रफ्तार में यह लौटती हैं, धमनियाँ 120 के, और जो सिराएं होती हैं 80 की रफ्तार में। और क्या चीज़ होता है, ये जो होती हैं O2 यानी ऑक्सीजन को ले जाती हैं, ये जो होते हैं CO2 को ले आते हैं बॉडी से। और क्या होता है, धमनियों में जैसे ऑक्सीजन और CO2, देखिए एक चीज़ आप लोग बढ़िया से समझिए, रक्त में, रक्त जब फेफड़े के पास जाता है, अब फेफड़े में, फेफड़े क्या करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, O2 को वह एकाग्रित कर लेता है, स्टोर कर लेता है, उसके बाद वह जब रक्त फेफड़े में जाता है तो उसको मिला देता है। तो रक्त में ऑक्सीजन मिला देने की प्रक्रिया को हम लोग रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है हमारे, तो इसीलिए जो है धमनियाँ जो होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहेगा और जो सिराएँ होंगी उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी आप लोग एक इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो हमारे हार्ट से निकल के बॉडी की तरफ जाएगी उसे हम लोग धमनी कहेंगे, जो बॉडी से हार्ट की ओर आएगी उसे हम लोग कहेंगे सिरा। अब हम लोग समझते हैं ये जो धमनियाँ होती हैं, सिराएँ, मतलब हमारे शरीर से, शरीर में ब्लड जाता है फिर आता है, या किस रास्ते और किस रास्ते से आता है, किस रास्ते से जाता है, किस रास्ते से आता है, इसको हम लोग समझते हैं। धमनी, यहाँ तक तो हमने धमनी और सिरा को समझ लिया है। आगे हम लोग समझते हैं कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है या किस रास्ते से जाता है, किस रास्ते से आता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, यह है हमारा हार्ट, दिल, हार्ट, यह है हमारा हार्ट। अब देखिए क्या होता है कि, देखिए यह है हार्ट, अब हार्ट से जाएंगी ब्लड महाधमनी में, महाधमनी में, उसके बाद जो हमारा रक्त है वो जाएगा धमनी में, हो जाएगा धमनी में, अब धमनी के बाद जाएगा छोटी धमनी में, छोटी धमनी में। देखिए महाधमनी मतलब जब दिल के पास जो होती हैं एकदम धमनियाँ, उनको महाधमनी बोलते हैं, उससे हल्का दूर होंगे तो उसे धमनी बोलेंगे, उसे और दूर होंगी तो उसे हम लोग छोटी धमनी बोलते हैं। यहाँ तक जो रक्त है, जब यह हार्ट पंप किया तो महाधमनी में गया रक्त, उसके बाद धमनी से होता हुआ छोटी धमनी में पहुँचा, उसके बाद यहाँ केशिका, केशिका होता है, केशिका, केशिका, केशिका में जाता है, केशिका में जाने के बाद यह वापस आता है, वापस सेम ऐसे ही आएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, ये क्या है छोटी धमनी है तो यहाँ पे हो जाएगी छोटी सिरा, छोटी सिरा हो जाएगी। अच्छा छोटी सिरा के बाद क्या है, इसमें धमनी है तो यहाँ क्या हो जाएगा सिरा हो जाएगा, अब उसके बाद यहाँ क्या है महाधमनी है तो यहाँ क्या हो जाएगा महासिरा हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा महाशिर, उसके बाद हार्ट में चला आएगा। ये होता है हमारे शरीर में रक्त का संचरण, मतलब रक्त कैसे कैसे हमारे शरीर में जाता है उसका ये पूरा डायग्राम है। रक्त जो होता है हमारे फेफड़ा जो जब ये पंप करता है तो महाधमनी से होता हुआ धमनी में जाता है, उसके बाद छोटी धमनी में, उसके बाद केशिका में, केशिका के बाद वह वापस आता है तो छोटी शिरा में आएगा, उसके बाद शिरा में आएगा, उसके बाद महाशिरा में आएगा, उसके बाद हार्ट में आ जाएगा। ये होता है ब्लड का रास्ता। अब इसको तो हमने समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, दिल के बारे में हमको समझना है। देखिए अब ये है मानव का हार्ट। हम लोग मानव का, क्योंकि हम लोग मानव हैं तो मानव का हार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए जो हमारा हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, हल्का हमारे शरीर के चेस्ट के भाग में हल्का बाएं तरफ होता है, बाएं फेफड़े की तरफ हल्का झुका होता है। वैसे होता तो बीच में है लेकिन हल्का सा बाएं की तरफ झुका होता है हार्ट। और इसकी हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज होता है लगभग 300 ग्राम का होता है, और एक बार में यह 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितने ml को? 70 ml। 70 ml में यह 70 ml एक बार में ब्लड को पंप करता है शरीर में पहुंचाने के लिए, और लगभग एक मिनट में पूरे ब्लड को, हमारे शरीर के पूरे ब्लड को पंप कर देता है। यह इसके आकार की बात करें तो 300 ग्राम, और यह 70 ml लगभग यह एक कप जैसे इतना बड़ा होता है। इसको बारे में समझते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए हमारा जो हार्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक में पूरे शरीर से जो हमने आगे डायग्राम बनाया था, महाधमनी से होता हुआ महाधमनी, मतलब महाधमनी, फिर धमनी, छोटी धमनी, केशिका, उसके बाद बदल लौटा था, तो लौटा था तो रिसीव कहाँ होता है? यहाँ पर रिसीव होता है। मतलब हार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसीविंग चैम्बर, एक होता है पंपिंग चैम्बर, PUMPING। देखिए ध्यान से समझिए, एक होता है रिसीविंग चैम्बर जहाँ पूरे शरीर का रक्त यह रिसीव करता है, और एक होता है पंपिंग चैम्बर, यहाँ से ये ब्लड यहाँ आता है, उसके बाद यह पंप करता है, पूरे शरीर में जाता है, फिर से वह ब्लड उसी रास्ते से जो हमने आगे बताया आपको, उसी रास्ते से होते हुए फिर यहाँ पे आ जाता है। यह क्रिया चलती रहती है। मुख्य रूप से हम देखें यह ब्लड जो होता है पंप क्यों करता है, क्योंकि जब ब्लड फेफड़े में जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन O2 फेफड़ा मिला देता है रक्त में, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण। ऑक्सीजन रक्त में मिला देने की क्रिया को हम लोग कहते हैं रक्त का शुद्धिकरण। मतलब एक चीज़ तो तय हो गया, अगर रक्त शुद्ध है तो उसमें ऑक्सीजन मिला होगा O2, अगर अशुद्ध होगा तो उसमें CO2 मिला होगा, क्योंकि जब ये पंप करेगा ऑक्सीजन ले जाएगा पूरे शरीर में पहुँचा देगा पूरे शरीर में। अच्छा, ये बात आए कि पहुँचाता कहाँ है, जब ये पंप किया ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में गया, अब पूरे शरीर में कोशिका, हर एक कोशिका को, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका में माइटोकांड्रिया होता है जिसे ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, उसको ज़रूरत होती है O2 की, ऑक्सीजन की, उसको ऑक्सीजन दे देता है, और वहाँ से क्रेब्स साइकिल चलती है। उसको हम एक अलग वीडियो बना देंगे, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो खैर हाल आप लोग ऐसे मोटा तौर पर समझिए, ऑक्सीजन ले जाता है कोशिका को देता है, वहाँ कोशिका में उपस्थित होता है माइटोकांड्रिया जिसे हम लोग शक्ति का गृह कहते हैं, वही क्योंकि जो हमारा बॉडी काम करता है, हम कुछ भी काम करते हैं तो शक्ति लगती है, तो माइटोकांड्रिया ही शक्ति गृह होता है, वही हमारे लिए शक्ति बनाता है, तो उसको ज़रूरत है O2 की, इसीलिए ये सारे तामझाम हो रहे हैं।
उसको पहुंचाया जाएगा O2 और वहां से वह रिलीज करता है CO2। CO2 को जो होता है शिराएं ले आती हैं, तो अशुद्ध रक्त कौन लाता है? शिराएं। शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? धमनियां। अच्छा, इस पे हम लोग समझते हैं, रक्त को रिसीव कौन करेगा? रिसीविंग चैम्बर। और रक्त को पंप कौन करेगा? पंपिंग चैम्बर। जो रिसीव करता है इसको हम लोग कहते हैं अलिंद, इसको हम लोग कहते हैं अलिंद। और जो पंप करता है इसको हम लोग कहते हैं निलय, इसको हम लोग कहते हैं निलय। लेकिन देखिए अब क्या होता है, इसके भी दो दो पार्ट होते हैं। हार्ट में मैनुअली हम देखें तो चार पार्ट होते हैं। देखो ये लेफ्ट है, जैसे हम लोग जैसे हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारा ये क्या है, ये राइट है, इधर लेफ्ट है। तो उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा? राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर राइट और इधर लेफ्ट। मतलब ये क्या है, दाहिना अलिंद, ये बायां अलिंद, ये दाहिना निलय और बायां निलय। अब हम इसको समझते हैं, देखिए पूरे शरीर से जब ब्लड आता है तो उसको रिसीव करता है ये दाहिना अलिंद। पूरे शरीर का जो ब्लड रिसीव करता है दाहिना अलिंद, और उसके बाद ये भेज देता है इधर, ये भेज देता है इधर दाहिने नीले के पास। अब दाहिने नीले क्या करेगा, उस ब्लड को पंप करेगा फेफड़ा के पास, लंग्स फेफड़ा। यह दाहिना अलिंद अब उसको पंप करेगा फेफड़े के पास। अब जब फेफड़े के पास चला जाएगा हमारा रक्त, तो फेफड़े के पास क्या है, यह ऑक्सीजन को स्टोर किए हुए हैं, तो ऑक्सीजन को यह हमारे रक्त में मिला देगा। जब रक्त में मिला देगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण। अब देखिए ये लंग्स, अब ये लंग्स जो है इधर से जुड़ा रहता है, तो इधर से भेज देता है इधर इसके पास बाएं अलिंद के पास, फेफड़ा भेजा बाएं अलिंद के पास। अब देखो सिंपल से बायां अलिंद इधर भेज देगा, और ये होता है सबसे हाई पावर वाला निलय, क्योंकि ये दोनों पंपिंग चैम्बर है, ये लो और ये हाई, क्योंकि इसको थोड़ा पंप करना रहता है केवल फेफड़े तक, लेकिन ये जो होता है हाई पंपिंग चैम्बर होता है, इसको तो पूरे शरीर में पहुँचाना है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है और ये इतना 120 की रफ्तार में, 120 के रफ्तार में पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा माइटोकांड्रिया तक पहुंच जाती है। इसको हम लोग ने समझा। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, अच्छा अगर ये पूछा जाए अलिंद और निलय दोनों में से मजबूत कौन होगा, तो ऑफिशियली निलय होगा, क्योंकि निलय भाई साहब पंप करेगा तो उसको दम लगेगा, उसको बल ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा जो मजबूत होगा वो होगा नीले, ज़्यादा मजबूत होगा। अगर प्रश्न आ जाए अलिंद मजबूत नीले, तो आप लोग नीले को आंसर कर देंगे। अच्छा इसको हम लोग ने समझ लिया। अच्छा ये जो गया ब्लड 120 की रफ्तार में कैसे जाएगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, केशिका से लौटते हुए छोटी शिरा, उसके बाद शिरा, उसके बाद महाशिरा, उसके बाद हार्ट, और कहाँ आएगा इधर, उसके बाद ये आ जाएगा राइट वाले में, राइट नीले में, राइट नीले लंग्स के पास, और लंग्स क्या करेगा लेफ्ट अलिंद के पास भेज देगा, और अलिंद भेज देगा लेफ्ट नीले के पास, और ये पूरे शरीर में फिर से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हमारा जो दिल है एक मिनट में अमूमन 72 बार धड़कता है। अमूमन कितना धड़कता है? 72 बार। इसको हम लोगों ने समझ लिया। एक चीज़ और समझते हैं, जैसे इस चैम्बर से इस चैम्बर में जब आता है ब्लड, तो एक ऐसा वाल लगा रहता है, ये ब्लड इसी से आ जाता है लेकिन जा नहीं पाता, इस वाल को हम लोग कहते हैं टाई कस्पिड वाल। और सेम इसी प्रकार से इधर भी वाल लगा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाई कस्पिड वाल। क्या? बाई कस्पिड वाल। हम लोगों ने दिल के बारे में इतना चीज देख लिया। अच्छा एक प्रश्न और, यदि कभी पूछ लिया जाए कि दिल की आवाज़ कैसी होती है, तो जो दिल की आवाज़ होती है वो होती है लब डब, लब डब।
लब डब ये होती है दिल की आवाज़। हार्ट हमने मैनुअली पूरा समझ लिया, यही प्रक्रिया होता है हार्ट का। और हम लोग दो तीन चीज़ें देखते हैं, दो तीन चीज़ क्या देखते हैं, अब हार्ट को हम मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो रोक के अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, अभी बाद में हम एक शॉर्ट रिवीजन करवा देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए हाँ, कभी कभी क्या होता है हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। यह प्रॉब्लम दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब दो तरीके से पता लगाया जाता है, डॉक्टर लोग पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक होता है ई सी जी टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, ऐसे 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 कंप्यूटर में चलता रहता है, लेकिन अगर ये सीधा हो गया तो डॉक्टर बाहर निकलता है, आई एम सॉरी बोल देता है, मतलब वो उनका काम हो गया, उनका डेथ हो गया। तो यहाँ हम लोग ने देखा ECG। ECG क्या है, जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ECG। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है हमारे शरीर के इधर इधर अलग अलग हिस्से में 12 लीड लगाए जाते हैं। कितने? 12 लीड लगाए जाते हैं, 12 लीड लगाए जाते हैं शरीर में। और डॉक्टर लोग, डॉक्टर का काम है, आप वो डॉक्टर अपना जो दिक्कत होता है उसे पहचान लेते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है, एक तरीका होता है ट्रेंडमिल टेस्ट। इस पे क्या करते हैं, एक जैसे दौड़ने वाला नहीं होता जिम वगैरह में, वैसे ही होता है ट्रेंडमिल, उसमें दौड़ाते हैं, दौड़ने के हिसाब से डॉक्टर लोग जब दौड़ के आते हैं उनको देखकर वो लोग अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। दिल में इतना हो गया, और देखते हैं हम लोग इसको हो गया। एक चीज़ और, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि हार्ट में पेस्ट मेकर लगता है। पेस्ट मेकर कहाँ लगता है, जो अभी हमने बनाया था ये चार चैम्बर, तो ये क्या था, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, जो पेस्ट मेकर होता है इसी में लगता है। ये क्या था, अलिंद, ये वाला पार्ट क्या था अलिंद, ये वाला पार्ट क्या था नीले, पेस्ट मेकर जो होता है हमारे दाहिने अलिंद में लगता है। पेस्ट मेकर जैसे कि ये कभी कभी क्या होता है, इसको झटका देके कहाँ भेजना रहता है रक्त को, दाहिने नीले में, तो कभी कभी क्या करता है ये ढीला पड़ जाता है। इसको प्रेशर बनाने के लिए हम लोग पेस्ट मेकर का यूज़ करते हैं, छोटा सा होता है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन होता है नॉर्मल और उसी में लगा देते हैं, इसमें लगता है दाहिने अलिंद में। और एक चीज़, ये जो दाहिना अलिंद होता है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का करंट भी उत्पन्न करता है हमारा दाहिना अलिंद। इतना हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है। देखिए हमारा जो ब्लड है 120 की रफ्तार में जाता है, मतलब हृदय पंप करता है तो 120 की रफ्तार में जाता है, और लौटता है तो 80 की रफ्तार में वापस आता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब देखते हैं, ये तो ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर में देखते हैं तो जो ये 120 की रफ्तार में जा रहा है, ये लगभग पहुंच जाता है 150 की रफ्तार में, सोच समझ सकते हैं कितने रफ्तार में। उसके बाद ये पहुंच जाता है 90 की रफ्तार में, हाई ब्लड प्रेशर में होता है, उच्च दाब में। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये घट के 100 आ जाता है, और ये जो होता है 60 हो जाता है। इसको हम लोग हाई टेंसर कहते हैं, इसको लो टेंसर कहते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया, हार्ट वगैरह की सभी चीज़ें देख ली हैं। अच्छा, एक बार शॉर्ट रिवीजन हम करा देते हैं। बाह कंकाल वाले में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा कि क्लोज्ड? बाह कंकाल वाले में क्या पाया जाएगा,
बाह कंकाल वाले में पाया जाएगा ओपन, क्योंकि उनकी हड्डियां शरीर के बाहर होती हैं, और आंतरिक कंकाल वाले में क्लोज्ड। और जो सिराएं होती हैं वो कैसे रक्त को ले जाएंगे, तो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, और जो धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। एक चीज़ हमने नहीं समझा, उसको समझ लेते हैं, पहले एक बार दोहरा लेते हैं। हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, देखो नॉर्मल से देखते हैं, पहले दो चैम्बर जो होते हैं ऊपर वाले उनको कहते हैं अलिंद, और जो नीचे वाले दो चैम्बर होते हैं उनको कहते हैं निलय। ये रिसीव करता है ब्लड को, ये पम्प करता है, ये हो गया। उसके बाद जैसे हार्ट वगैरह में कोई दिक्कत आता है तो पेस्ट मेकर कहाँ लगता है, दाहिने अलिंद में लगता है। 2 वोल्ट का करंट कौन उत्पन्न करता है, तो दाहिना अलिंद करता है। जो हमारे हृदय यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दो तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं। एक होता है ECG टेस्ट, जो ऐसे ऐसे चलता है, जो एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें हम लोग दौड़ा के देखते हैं, डॉक्टर वगैरह देख लेते हैं अपना। हाई प्रेशर क्या होता है, 150/90 हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर में क्या हो जाएगा, 100/60 आ जाएगा, इतना हम लोग देख लिए। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो क्या हमारे शरीर में जो ये हर्ट होता है, क्या इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, क्या यह बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के एक व्यक्ति थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड। एक मिनट हम मिटा के लेते हैं। साउथ अफ्रीका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था, मतलब ट्रांसप्लांट किया था, उसको निकाला था और उसके स्थान पे दूसरा लगाया था, साउथ अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड। एक चीज़ हम लास्ट चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा, हमारा हृदय का जो चैप्टर है लगभग समाप्त हो जाएगा। देखिए हमने क्या कम से मतलब किताबों में और जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त किस में बहेगा, अशुद्ध रक्त किस में बहेगा। तो हम लोग नॉर्मल रूप से उत्तर देते हैं, शुद्ध रक्त बहेगा धमनी में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, वो ऑक्सीजन मिलने की प्रक्रिया को हम लोग शुद्धिकरण कहते हैं ब्लड का। और अशुद्ध रक्त बहेगा सिराओं में। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए, जब ये ब्लड इधर आया और ये ब्लड इधर आया, राइट से लेफ्ट में, इधर लेफ्ट से लेफ्ट, देखिए राइट से लेफ्ट में, राइट अलिंद से लेफ्ट निले में, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा राइट, राइट अलिंद से राइट निले में जब आया तो इधर शरीर से आया था, मतलब अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो यह जब पंप करता है कहाँ जाता है, लंग्स के पास हमारे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट से देखें तो इसमें क्या भी है, शुद्ध है, ये तो धमनी है, धमनी में शुद्ध रक्त बहना चाहिए, लेकिन अभी तो शरीर से आया दाहिने अलिंद में, फिर दाहिने निलय में, यह पंप किया हमारे लंग्स में, फेफड़े में, अभी यहाँ पे तो ऑक्सीजन मिलाएगा ना ये लंग्स, अभी तो इस समय क्या है, इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। लेकिन क्या है कि हम लोग मतलब एग्जाम वाले जो लोग हैं ये लोग ऐसे करते हैं, बाकी इसका तो कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या सेम है, हृदय से निकलने वाली समस्त नसों को हम लोग क्या कहते हैं, धमनी, और हृदय से हृदय की ओर आने वाली समस्त नसों को हम लोग सिरा कहते हैं। अब देखिए ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा जब इसमें O2 मिला दिया, ये जो है पंप करेगा, इधर पीछे से पंप कर देगा, बना रहता है उसमें, इसमें आ जाएगा। अच्छा अब बताइए, इसमें O2 तो मिला है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस सिरा, इसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस सिरा। लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, जब इसमें O2 मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो रक्त का शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण होने के बाद यह किस में आया, अब हार्ट में आया है।
कहने का मतलब अभी तो ये सीरा इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या इसमें अशुद्ध रक्त है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को मिला दिया है, ऑक्सीजन मिल के चला आया है इधर। लेकिन आपको यही याद रखना है, बस फुसफुस, अगर फुसफुस कहीं लगा, धमनी में अगर फुसफुस लगा तो आप लोग जान लीजिए उल्टा हो जाएगा। धमनियाँ क्या ले जाती हैं अमूमन? धमनियाँ शुद्ध रक्त को ले जाती हैं अमूमन, लेकिन जैसे ही फुसफुस लगेगा धमनियाँ अशुद्ध रक्त को, इसमें अच्छा फुसफुस धमनी में शुद्ध रक्त की अशुद्ध, अशुद्ध रक्त क्योंकि इसमें फुसफुस लग गया, उल्टा कर दीजिए। सिराएँ कैसे रक्त को ले आती हैं? अशुद्ध रक्त को, लेकिन इसमें फुसफुस लगा उसका उल्टा कर दीजिए, इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। बस यही हम समझाना चाहते थे आपको। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए।